नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपने आने वाले पलों को जानना चाहता है, आने वाले समय को जानना चाहता है, अपने जीवन में होने वाली प्रिय अप्रिय घटनाओं को जानकारी जो है उसकी लेना चाहता है। मेरे लिए क्या है, कैसा है, शुभ है, अशुभ है, बाकी और जीवों को इन बातों की चिंता नहीं होती। तो अब मैं 2022 का आपको पहले वीडियो दे चुका हूँ, जनवरी फरवरी का वीडियो दे चुका हूँ, अब मैं मार्च की वीडियो आपको दे रहा हूँ। मार्च में मिथुन राशि का फल कैसा होगा, तो मिथुन राशि वाले यहाँ पर ध्यान दे करके इन बातों को सुने। सबसे पहले नंबर पर मिथुन राशि के 12वें स्थान पे, अर्थात 12वां जो है राहु वहाँ पर चल रहा है। पहले से चली आई परेशानियाँ अभी भी चल रही हैं, लेकिन अप्रैल में 14 अप्रैल के लगभग से वो जो है परेशानियाँ समाप्त तो उनकी हो जाएंगी। तब तक के लिए अपने आप को संकुचित रखें, हाथों को दबा के रखें, किसी प्रकार का कोई रिस्क ना लें, किसी प्रकार का लेन देन ना करें, किसी प्रकार का कोई जो है ऐसी खरीद बिक्री ना करें जिसमें कि कोई नुकसान हो जाए। और अप्रैल तक का जो महीना चलेगा, हालांकि मैं मार्च की सुना रहा हूं, लेकिन राहु अप्रैल तक रहेंगे, तो इस कारण में उस समय पर कोई ना कोई चिंता भी जो है वो दे सकते हैं। लेकिन कई एक ग्रह अगर अच्छा फल दे रहा है तो दूसरा ग्रह उसके अंदर कोई ना कोई बुरा फल भी देता है, कोई ग्रह अच्छा भी फल देता है। तो यहाँ अब शनि आपकी राशि के अनुसार अष्टम में चल रहे हैं। देखिए, शनि की तीन दशा होती है, एक ढैया होती है, साढ़े साती होती है, और एक महादशा होती है। ढैया 2.5 साल की होती है, साढ़े साती 7.5 साल की होती है, और महादशा 19 साल की होती है। लेकिन इस समय पर आपको ढैया चल रही है, और ये ढैया आपको अष्टम स्थान के अंदर है, तो स्वास्थ्य नरम गरम चल सकता है, लेकिन ये ढैया भी आपकी अप्रैल के अंदर समाप्त हो जाएगी। उसके प्रति आप जो है निश्चिंत रहें, कुछ दिन का समय और रह गया है। बृहस्पति आपके 9वें स्थान के अंदर बहुत ही अच्छे हैं। शनि अगर कहीं पर कुछ नुकसानदायी है तो बृहस्पति उसको सुधारने वाले हैं, बृहस्पति उसको बैलेंस करने वाले हैं। तो बिगड़े हुए कार्यों को बृहस्पति आपके सुधारेंगे, भाग्य के अंदर जो है सपोर्ट करेंगे, भाग्य साथ देगा। कुछ धार्मिक प्रवृत्तियाँ इस महीने के अंदर बनी रह सकती हैं, मित्रों का सहयोग इसके अंदर प्राप्त हो सकता है, संतान का सहयोग प्राप्त हो सकता है। संतान इस महीने के अंदर कोई हो सकती है, या संतान को कोई अच्छा लाभ हो सकता है, जिससे कि हमें मन के अंदर संतान के प्रति प्रसन्नता जो है प्राप्त हो जाए। अब चलते हैं महीने की तिथि वाइज, अर्थात दैनिक राशिफल मैं आपको देने जा रहा हूं। तो यहां पर पहली, दूसरी, तीसरी, यानी 1, 2, 3 मार्च आपके लिए अच्छे रहेंगे। 4, 5, 6 और 7 मार्च तक, 8 मार्च तक आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये 8 दिन आपके लिए सुखद हैं, सुख देने वाले, लाभ देने वाले, खुशियां देने वाले, मन को प्रसन्न रखने वाले हैं। और यहाँ पर 9 और 10 तारीख ये आपको कुछ खर्चीली रहेगी, उस समय पर खर्च को दबा करके चलें। 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 ये कंटिन्यू 7 दिन आपके लिए मन की प्रसन्नता के लिए, धनागम के लिए, परिवार में प्रसन्नता के लिए, उत्सव मनाने के लिए, मित्रों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ये 7 दिन आपको प्राप्त होंगे, मिलेंगे। और इसके पश्चात जब हम चलते हैं और आगे के 2 दिनों के लिए, तो 16 और 17 तारीख तक मैंने आपको बताया, अब 18 और 19 तारीख को आप जानिए, ये थोड़ी सी इसमें उद्विग्न आप रह सकते हैं, चाहे वो कारण प्रॉपर्टी का हो सकता है, वाहन का हो सकता है, माता का हो सकता है, या अनायास ही मन के अंदर किसी प्रकार की चिंता भी उस समय पर हो सकती है। और इसके पश्चात 20, 21 और 22 तारीख आपके लिए, आपके पुत्र के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, पुत्र संतान के लिए, हर प्रकार से ये सुख देने वाली है। अब इसके पश्चात फिर आगे चलते हैं तो 2 दिन आपके लिए 23 और 24 तारीख कुछ कष्टप्रद रह सकती है, कुछ विवाद का कारण हो सकती है, कहीं झगड़े टंटे जो हैं आपके साथ में हो सकते हैं, कोई विवाद हो सकता है, तो उसके प्रति सावधान रहें। 25 और 26 तारीख पति पत्नी के बीच,
दैनिक व्यापार के लिए ये अच्छा फल देने वाली है। जिनका पहले से कोई शादी संबंध का होने की अगर बात है तो उस समय पक्की हो सकती है, बात कोई ना कोई चालू हो सकती है, तो ये समय आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए और दैनिक रोजगार के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 22 यहाँ पर 27 और 28 तारीख ये थोड़ी सी कष्टप्रद है, इसके अंदर शारीरिक कष्ट, कफ संबंधी विकार, मन में चंचलता, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। और 29 और 30 तारीख और 31 तारीख ये तीनों तारीख क्रमशः आपको लाभदायी, चाहे वो सरकार से है, परिवार से है, मित्रों से है, हर प्रकार से वो लाभदायी रहेगी। तो इसको आप जो है मन के अंदर उतार लीजिएगा या इन तारीखों को इस प्रकार से आप नोट कर लीजिएगा। और अब एक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कृपा करके और जो भी फ़ोन करें तो सुबह 10 बजे से सायंकाल 6 बजे के बीच में आप फोन करें। नमस्कार। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।